आज के इस 74वें स्वतंत्रता दिवस में आप सभी के इस छोटे से लघु कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्र के कुछ उत्सव होते हैं जिन्हें मनाना हम सभी का कर्तव्य तो है ही है, लेकिन कर्तव्य से भी ज्यादा उसको अनुभव करना, उसका एहसास करना, उस बात को स्वीकारोक्ति देना, उसको स्वीकार करना, उसको एक्नॉलेज करना, ये भी हमारा दायित्व बनता है कि हम हृदय से भी उसको स्वीकार करें, केवल बुद्धि से नहीं, केवल एक किसी इस वजह से नहीं कि क्योंकि ये है और इसलिए किसी आदेश के इंतजार में हम इसको सेलिब्रेट करें। तो आज के इस 74वें स्वतंत्रता दिवस, जिसके विषय में हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे बलिदान देकर के बहुत सारे लोगों ने, और ऐसे भी लोग जिनके कभी नाम लिए ही नहीं गए, जिनके बारे में हम जानते ही नहीं हैं, उन सब उन शहीदों के प्रति, उन देशभक्तों के प्रति हम अपने धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। और आज उनकी वजह से जो हमें ये स्वतंत्रता मिली है, कि जहां पर हम अपने आप को भारतीय कहने में एक गर्व का अनुभव कर सकते हैं, उन सबको स्मरण करते हुए, उन सब के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए हम आज का ये संक्षिप्त सा कार्यक्रम राष्ट्रीय कैडेट कोर संस्कृत हिंदी विभाग सनातन धर्म महाविद्यालय अम्बाला छावनी की ओर से, ये आप सब कैडेट्स की ओर से, बॉयज और गर्ल्स जिसमें दोनों सम्मिलित हैं, उनके ओर से इसको हम आयोजित कर रहे हैं। इस इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की विशेषता को आप जानते ही हैं कि जहां पर फ्रीडम ऑफ माइंड जो है वो, और फ्रीडम ऑफ, और हृदय में आपके प्रेम हो और बुद्धि में आपकी जो स्वतंत्रता का भाव है, उन दोनों चीजों को हमें एक साथ समझते हुए इस स्वतंत्रता को हमने बचाए भी रखना है और आगे आने वाली जनरेशन्स को भी हमने इसको हैंड ओवर करना है, उनको हमने प्रस्तुत करना है। तो हमें अपने पूर्वजों से जो मिला है उसे हमने संभालना, सहेजना, संवारना है, और फिर आगे की जो जनरेशन है, आगे आने वाली जो लोग हैं, उनको भी हमने इसको धरोहर के रूप में प्रदान करना है, ताकि इस भारत माता की जो है रक्षा भी रहे और सम्मान में भी वृद्धि हो। तो इसके साथ ही हम लोग, यदि आप लोग गा सकें तो गाइएगा, नहीं तो मैं इस जनगण मन को गाऊंगा, और आप लोग सभी अपने स्थान पे सावधान मुद्रा में खड़े होंगे और समाप्त होने पर आप विश्राम की स्थिति में आएंगे। मैं इसको आरंभ कर रहा हूं, सावधान रहेंगे आप सभी के सभी, और कोई हरकत अपेक्षित नहीं है। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, गंगा। तव शुभ नामी जाहि, तव शुभ आशीष माहि, गावे तव जय गाथा। जन गण मन जय हे, जय 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 हे, भारत माता की जय। आप सभी का मैं धन्यवाद करने से पहले कि इस कोरोना टाइम्स में हम इस उत्सव को इस रूप में मना रहे हैं, लेकिन ये मनाना जरूरी इसलिए है कि कहीं हम विस्मृत ना कर दें, क्योंकि ये क्षण बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। साल में एक बार ये क्षण आया है तो हम इसको, चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थितियां हैं उनमें, हम इसको अवश्य पूरा करें, अपने कर्तव्य को हम कहीं पर भूले नहीं। इसलिए इस
का आयोजन हमने आज किया है, चाहे संक्षिप्त ही है, चाहे बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी हमने उन देशभक्तों को, उन बलिदानियों को हमने स्मरण किया है जिन्होंने इस स्वतंत्रता को हमें प्रदान किया है। और मैं चाहता हूं कि उनके सम्मान में एक राष्ट्रभक्ति का गीत मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं और उसके बाद हम इस कार्यक्रम का विसर्जन करेंगे। राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। क्या कभी किसी ने सुना है सूर्य छिपता तिमिर भय से, क्या कभी सरिता रुकी है बांध से वन पर्वतों से, जो न रुकते मार्ग चलते चीर कर सब संकटों को, वरण करती कीर्ति उनको छोड़ कर सब असुर दल को, ध्येय मंदिर के पथिक को कंटकों का ही सहारा, राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा। ज्ञान के विज्ञान के भी क्षेत्र में हम बढ़ चलेंगे, नील नभ के रूप के नव अर्थ भी हम कर सकेंगे, भोग के वातावरण में त्याग का संदेश देंगे, त्रास के घन बादलों से सौख्य की वर्षा करेंगे, स्वप्न यह साकार करने संगठित हो हिंद सारा, राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा। हम न रुकने को चले हैं सूर्य के यदि पुत्र हैं तो, हम न हटने को चले हैं सरित की यदि प्रेरणा तो, चरण अंगद ने रखा है आइसे कोई हटाए, दहकता ज्वालामुखी यह आइसे कोई बुझाए, मृत्यु की पीकर सुधा हम चल पड़ेंगे ले दुधारा, राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी। जय हिंद। बहुत बहुत भावुकता भरा ये गीत है और इस गीत का मेरे जहन पे बहुत गहरा असर है और मैं चाहता हूं कि हर कैडेट को ये गीत याद हो। ये हमारे एनसीसी का जो गीत है
यही ये गीत होना चाहिए कि राष्ट्रभक्ति हमारे हृदय में हो और राष्ट्र हमारा विजय हो। इसी संक्षिप्त से कार्यक्रम के साथ आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोग, सभी कैडेट जुड़े। आपका दायित्व तो भी था, लेकिन उससे ज्यादा ये आपके भीतर की भावना है जो इसके साथ जुड़ी है, जिसने आप सभी को और हम सभी को जोड़ा है। मुझे लगता है कि आज हम ज्यादा तो कुछ नहीं कर पाए, ऑन ग्राउंड हम पूरी कार्रवाई करते, वो हमें मौका नहीं मिल पाया है कोरोना की सीमाओं की वजह से और अन्य आदेशों की वजह से। लेकिन जो हमारी क्षमता में था, उस क्षमता को हमने, उस क्षमता के अनुसार हमने इस कार्य को किया है। तो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना ही पर्याप्त है कि आज इस 74वें स्वतंत्रता दिवस को हमने अपने तरीके से मनाया है। उन राष्ट्रभक्तों को, उन देशभक्तों को हमने स्मरण किया है, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है और इस बात का हम प्रण करते हैं कि इस देश की स्वतंत्रता को खंडित नहीं होने देंगे, चाहे दो लोग वो मर्जी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज के इस कार्यक्रम को बहुत बढ़िया तरीके से, जैसी परिस्थितियां थी उस हिसाब से किया, और सारे कैडेट्स का भी धन्यवाद जो इस पावन अवसर पर हमारे साथ जुड़े। और आपने इसको, मुझे मैथिली शरण गुप्त की वो पंक्तियाँ याद आ रही हैं, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, तो आपने जो भावों से राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र के प्रति जो प्रेम अपनी इस कविता के माध्यम से और अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया है, और मैं तो कहूँगी कि आँखों के माध्यम से भी, आपकी आवाज़ के माध्यम से भी जो हमें संदेश मिला है वो सच में बहुत महान है। जो व्यक्ति दिल से इस चीज़ को अनुभव करते हैं, और आपसे जुड़े हुए कैडेट्स और हम लोग आपकी इस भावनाओं की बहुत कदर भी करते हैं और बहुत अपने आप को भाग्यशाली मान रहे हैं कि हम ऐसे राष्ट्रभक्त के साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे लगता है हमारे सारे कैडेट्स इसी भावना से भरपूर हैं, क्योंकि ये बहुत दिनों से आपके संसर्ग में है। जो अच्छा सत्संग मिलता है तो अच्छी भावनाएं उनके अंदर पैदा होती हैं। एक बार फिर आज के इस 74वें स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भारत आगे बढ़े, हम आत्मनिर्भर हों, हमारा आत्मविश्वास और जोरों पर हो, और हम अपनी सारी वो उद्देश्य पूरे करें जिसको हम लेकर चले थे और जिसके लिए स्वतंत्रता जो है हमने प्राप्त की थी और इतनी बलिदान जिसके लिए दे गए। बहुत बहुत धन्यवाद कैडेट्स का, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी धन्यवाद मैम, और इसके साथ ही हम इस कार्यक्रम का विसर्जन करते हैं, लेकिन उससे पूर्व सभी कैडेट्स जो हैं, जिन्होंने अपना नाम और अपना रेजिमेंटल नंबर पोस्ट नहीं किया है चैट बॉक्स में, वो सभी कर दें, और उसके बाद आप लोग जो हैं इससे डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, और मैडम विजय के लिए भी बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।